हेलो दोस्तों, तो आपको पता ही है लॉकडाउन है कम्प्लीटली, तो परेशानी बहुत सारे है। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हो कि खाना तो पूरा ख़त्म, ठीक है, अभी ये होममेड खाना ही चल रहा है। ठीक है, पूरा ख़त्म, कुछ भी स्टॉक में नहीं है। ठीक है, अपन सोयाबीन फ्लावर है नो, उसके बाद आपका थोड़ा बहुत फिश मील था मेरे पास, ग्राउंड नट मील है। ठीक है, ये सब छोड़ के अगर आप देखते हो तो कभी कभार अपन ये मुरमुरा पे काम चला लेते हैं। ठीक है, ये मुरमुरा को ना आप थोड़ा ऐसा गुड़ में थोड़ा सा उसको मिक्स करके अगर सुखा लेते हो तो भी मछली अच्छे से खाता है। ठीक है, आप ये सब जुगाड़ है। उसके बाद अगर आप देखते हो, जैसे ये वाला आप पोर्शन देख सकते हो, इधर मैंने एक ट्रे बनाया। ठीक है, जो भी बनाता हूँ मैं खाना, जो भी होममेड मील होता है तो उसको मैं अपने ट्रे पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल मैं ट्राई करता हूँ, अगर आपको कुछ दिखेगा तो। मैंने दिया था कुछ टाइम पहले, देख सकते हो दोस्त, ये देखो, तो ये आराम से आके उधर अपना घर बना लेता है, उधर आके खा पी के जाता है, एक झुंड आके जाता है, दूसरा झुंड आ जाता है। तो ऐसे करके मैं फिलहाल काम चला रहा हूँ जब तक लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, और ध्यान से आपको थोड़ा बहुत ये डकुइड्स भी दिख सकता है, आपको एक दो टुकड़ा मुरमुरा भी दिख सकता है इधर उधर। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखते हो तो, और दोनों ही जो ट्रे है ना उसका सेम कंडीशन है, ये आराम से खाता है। ठीक है, और एकदम बिंदास है, दूसरे वाला है एकदम बिंदास रहता है। देखो ये देखो, खा पी के एकदम मस्त रहता है, ये कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये है फिलहाल। और अगर आपके पास कैटफिश वगैरह है और तेलापिया का बड़ा वैरायटी है तो मैं ट्राई करता हूँ इधर डकवीट्स उगाने का। ठीक है, एक एक दो दिन के बाद मैं ये मछली को देता हूँ। और दूसरा अगर आप देखते हो ना, ये देखो दोस्तों, जो मेरा तालाब का जो लेवल था वाटर, ये इधर तक था, अभी देखो कितना नीचे गया। ठीक है, 3 फीट 4 फीट और नीचे चला गया उधर से, और उधर से आप देखो अभी पानी भराई हो रहा है। ठीक है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, मौसम काफ़ी अच्छा है, तो पूरा रात चलेगा। सुबह देखता हूँ कितना लेवल बढ़ता है, अगर बीच में एक आधा टाइम ना बारिश हो जाती तो फिर हो जाएगा, नहीं तो ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा क्योंकि पानी का लेवल कम हो रहा है और अंदर 10,000 कॉमन कार्प है तो उनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो यही बस छोटा सा वीडियो है, क्योंकि खाना पीना जुगाड़ करना है तो करो, कुछ भी कर सकते हो, घर पे बनाओ। सोयाबीन में बहुत प्रोटीन रहता है। ठीक है, सोयाबीन का आटा बना लो, उसके बाद आपका गेहूं का आटा है, जो मूंगफली होता है उसका ऑयल निकालने के बाद जो बचा रहता है उसका आप बना सकते हो, सब पेस्ट करके आप खिला सकते हो मछली को, उसमें अच्छे सा खासा प्रोटीन भी रहता है। ठीक है, राइस का जो फ्लार रहता है उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है अच्छा खासा, तो एकदम परफेक्टली आप कैलकुलेशन नहीं करके कर सकते हो, बट थोड़ा बहुत आपको 30% के आसपास, नहीं तो 20 से 30% के आसपास प्रोटीन मिल जाता है ये सब चीज़ों में। ठीक है, और फिलहाल आपका लॉकडाउन तक का काम अगर चल गया तो काफ़ी है, तो इतना निकल गया तो काफ़ी है। और आप बीच बीच में ब्रेड भी दे सकते हो। ठीक है, मैंने ब्रेड भी ट्राई किया था बीच बीच में, उसके बाद जैसे ब्रेड का जो जो टोस्ट बिस्किट होता है वो भी मैंने ट्राई किया था। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
ये हम लोगों को एक अच्छा मौका दे दिया कि हम थोड़ा आरएनटी कर सकते हैं, ठीक है, क्राइसिस मैनेजमेंट हम कैसे करें, तो उस पे हम लोगों को एक अच्छा मौका मिल गया, तो ये बेटर है, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कि फ्लोटिंग फीड छोड़ के हम लोग हो सकता है कि ये फिश फार्मिंग नहीं हो सकता है, बट जब आपको शॉर्टेज रहेगा कोई भी चीज़ों का, तो कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा जुगाड़। तो इतना ही अपडेट, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।